तो सीन ये है आज का कि भाई हम जा रहे हैं कहाँ? नैनीताल। नैनीताल जा रहे हैं भाई। नैनीताल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भाई सारी जगह देख दी ऊपर की, ऊपर ना इस टाइम हो रखी है गंदी वाली बारिश, लैंडस्लाइड। ठीक है, एक नैनीताल जगह ऐसी मिली है जहाँ पे बारिश हो रही है लेकिन लिमिटेड लेवल पे है। बाकी भाई एक और चीज दिखाते हैं आपको, ये देखो। तो देख लो भाई, इंटरेस्टिंग चीज है ये। हटाइयो भाई इसको, बैग को। एक तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, बैठा। दूसरी है ये है गिम्बल कैमरे का, ठीक है। अगर इसकी वीडियो देखनी हो ना अनबॉक्सिंग वगैरह की, और हमने कौन सा गिम्बल लिया ये बताएंगे नहीं अभी, नहीं। ये देखना तो भाई जाना राजेश की एडिटिंग चैनल पे, जिसका नाम है राजेश एडिटिंग एंड टेक टिप्स। टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी थोड़ी बहुत वीडियोस बनती है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर देखनी हो ना वीडियो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उस गिम्बल के शॉर्ट्स इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे भाई। पता चल जाएगा आपको कैसा गिम्बल है और कौन सा गिम्बल है, ठीक है। तो अभी तो भाई खड़े हैं हाईवे पे, देख लो यहाँ पे 235 किलोमीटर के आसपास रह गया। कोई नहीं, चलते हैं। तो चले भाई, और चल के देखते हैं। चलो चल के क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, चल के ये देखते हैं सीन क्या है आज का। भाई देख रहे खाली है, उधर नहीं जा रहा, इधर लेगा अगला। यार ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें चलता है यूट्यूब वालों का कार्ड। क्या चलता है भाई? इसमें यूट्यूबर्स का कार्ड चलता है स्टॉल पे, जो ये वाला हिस्सा है। अभी देखना कार्ड चलाते हैं इस पे। तुम में से पता नहीं होगा कुछ लोगों को कि यहाँ पे यूट्यूब वालों का कार्ड भी चलता है। चल गया भाई कार्ड, चल देख लिया ना भाई। 1 लाख से ऊपर होते ही सारे टोल फ्री है। 1 लाख सब्सक्राइबर कर लो, सब सारे टोल फ्री, कोई दिक्कत ही नहीं। तो यार अभी रास्ते में आगे चलते हैं यार, भूख लग रही है अभी भाई राजेश, भूख लग रही है अभी। खाने के लिए रुकते हैं भाई कहीं पे बढ़िया से रेस्टोरेंट में। अभी यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा ढंग का, छोटे मोटे ढाबे आ रहे हैं, यहाँ पे मजा नहीं आएगा। तुम्हें पता है यार इंडियाज बेस्ट लोग अगर छोटे मोटे में थोड़ी रुकेंगे। अब तो कार्ड भी मिल गया, अब तो 5 स्टार का कार्ड मिल गया, फ्री खाना, फ्री रहना, फ्री सब फ्री। हाँ तो भाई काफी देर हो चुकी है भाई ड्राइव करते करते। अभी दिखा है एक सामने लक्की का ढाबा, ठीक है, लक्की दा ढाबा। इसमें चलते हैं, दिखा देता हूँ एक बार कैसा है। दिखने में तो यार 1 नंबर का लग रहा है, बाकी कैसा खाना खून है वो तो अंदर चल के ही देख लेते हैं। ये है लक्की दा ढाबा, देख रहे हो उधर ओपन सीटिंग भी बना रखी है भाई, ओपन सीटिंग भी बना रखी है। कैसी? बढ़िया, 1 नंबर की। तो देखते हैं भाई इसमें, ये थोड़ा बढ़िया सा लग रहा है, देख रहे हो गार्डन वार्डन बना रखा है बढ़िया साफ सुथरा, और इधर अंदर एसी वाली सीटिंग भी है। तो सब बढ़िया बढ़िया, बस खाने को बढ़िया मिल रहा है, खाने का बढ़िया चाहिए। देखो ओपन सीटिंग है यार, ये सही है यहाँ पे जुगाड़, देख रहे हो। मैंने मंगाई है वेज बिरयानी, इन दोनों ने मंगाई है चिकन बिरयानी। छी 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 छी, देखना कैसे चिकन, शर्म नहीं आती भाई है, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। हद है यार, सावन में चिकन कौन खाता है। छी 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 छी, एक इसको देख लो जानवर को। इसने मंगवाई है सुअर बिरयानी। ये देखो जानवरों की तरह है भाई, सुअर खाता है। देखो देखो कितना खुश हो रहा है, दे दी मरोड़ी। हाँ भाई खा लिया है खाना तो लक्की दा ढाबा पे, लेकिन मज़ा नहीं आया यार, स्वाद नहीं आया यार। जो चाहिए था ना, बिलो एवरेज, एवरेज भी नहीं, थोड़ा कम ही था एवरेज से, बिल्कुल कम था, बिल्कुल मान लो कह सकते हो। लेकिन ये है कि साफ सुथरी जगह पे बैठ के अगर खाना हो, ठीक है, अच्छे एनवायरमेंट के साथ, तो ठीक है। ठीक तो था, ऊपर से जो हमें खाना था ना वो अवेलेबल नहीं था, माहौल बन चुका है 1 नंबर का, ठंडा ठंडा चिल्ड चिल्ड मौसम हो रखा है। बाकी भाई नैनीताल में जहां तक हमने पता करा है ना, फोग हो रही है एकदम, मजा आ जाएगा एकदम, फोग ही फोग हो रही है। और ऐसे मौसम के लिए तो हम यार दिल्ली से बाहर निकले हैं, क्योंकि दिल्ली में हो रही है हालत खराब। बीच में आई थी बारिश हल्की फुल्की, लेकिन फिर तबाही मच गई, फिर से गर्मी चालू हो गई। 110 कैसे बताने लग गया फिर से? 110 बता रहा है, कोई बात नहीं 110 चले जाएंगे। 81 था अभी, 81 था।
अबे ये पगला गया, 355 355 बता रहा है। वाह, पहले 81 से 110 हुआ, अब 355 दिखा रहा है। 79 दिखा रहा है। अब दिखा रहा है 79 किलोमीटर बाकी है। और कैसी लग रही है वीडियो, मजा आ रहा नहीं आ रहा? इतनी बढ़िया चीज दिखाई आपको टोल बचाने के लिए। यूट्यूबर का कार्ड बनवा लो, 1,00,000 सब्सक्राइबर से ऊपर होते ही फ्री हो जाएगा। और खाने के लिए भी बता दिया, लक्की दा ढाबा आएगा। एम्बियंस अगर चाहिए तो काफी बढ़िया मिलेगा, लेकिन खाने का टेस्ट यार हमें बढ़िया लगा नहीं। बाकी जो हमें खाना था वो मिला भी नहीं। इस पे और चीजें हो सकता है बढ़िया हो, ट्राई कर लेना एक बार लक्की दा ढाबा पे आके। और स्पॉन्सर नहीं है बहुत देर से हम लक्की दा ढाबा कर रहे हैं, कहीं बोलो भाई इन्होंने पैसे खिलाए इन्हें, तो स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन मत लेना। बाकी देखते हैं भाई, जो जो इंटरेस्टिंग चीज आती रहेगी रास्ते में वो दिखाते रहेंगे आपको। बाकी एक तो है ही साथ में इंटरेस्टिंग चीज, है नहीं विशाल? है नहीं, है नहीं विशाल, है नहीं, है नहीं। आगे देखो, एक ट्रक है भाई, ये देखना सामने यार, ये क्या आग सी लग रही है, देख रहे हो स्मोक, धुआं ही धुआं हो रखा, आग लगी शायद जंगल में। अभी देखना, अब देखो ये आग लगी है कि लगाई है यार, ये लगाई है मेरे ख्याल से, तो अलग अलग जगह जल रही है, लगा रखी है तो। ये देखो हमें लगा आग लगी यहीं पे, उत्तर की धुंध होगी, धुंध धुंध, वो कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब। अब धुंध हटी है, अब देखो एकदम से गायब धुंध, क्लियर। ये देखो ये सो गया लड़का, ये देखो सोने का काम है, बस सोने का। जैसे ही वीडियो चालू होती है ना, वीडियो चालू होते ही उंगलियां हिलाने लग जाता है कि जाग रहा हूँ। जंगल हो चुके स्टार्ट और काला डूंगी पहुंचने वाले हैं। काला डूंगी पहुंच के छोटा सा ब्रेक लेंगे शायद से, यार इधर से रास्ता था गाड़ी जाने का, अंदर चलेंगे जंगल में। है भाई शेर मिल गया तो शेर के साथ कर लेंगे थोड़ी बातचीत। और सही है यार मौसम, अभी तक पहाड़ी नहीं आई, ये चीज मेरे को थोड़ी सी अजीब लग रही है। मतलब नैनीताल में पहाड़ वहाड़ नहीं है क्या यार? हम तो अभी तक जहाँ भी गए सारी जगह पहाड़ वगैरह मिल जाते हैं, और ये मान लो मतलब 60-70 किलोमीटर पहले चालू हो जाते हैं पहाड़। यहाँ पे अभी 50 किलोमीटर रह रहा है, देखो 50 किलोमीटर रह रहा है, लेकिन अभी तक पहाड़ नाम की चीज़ भी नहीं आई। और मेरे को लग रहा है ज़्यादा ऊंचाई पे पाएगा भी नहीं है, नैनीताल थोड़ा लेवल पे ही है, ज़्यादा ऊँचा नहीं है। तो देखते हैं भाई आगे चल के, मॉल रोड पे मजे करेंगे आज रात को, तो मॉल रोड मेरे ख्याल से बढ़िया पाएगी इसकी, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं तो हमें कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। और ये आ रहा लड़के को जोश, खैच खैच के दाव रहा पंजा। तो चल रहे हैं भाई, देखो आप एक बार नज़ारा देखो आगे का, तो देख लो नज़ारा भाई, देखो एक बार, बीच में रोड है और दोनों साइड जंगल है। ये देखो इधर की तरफ भी पूरा जंगल है, ठीक है सामने से आपको दिख रहा होगा, दोनों साइड पूरे पेड़ ही पेड़ उगे हुए हैं, यहाँ भी पूरा जंगल है। देख यार नज़ारा तो बढ़िया लग रहा है। बाकी नैनीताल देखते हैं, यार बारिश नहीं आ रही, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली लग रही है, क्योंकि बारिश तो चाहिए थी भाई, बारिश के बिना मज़ा नहीं है। बारिश आई या फोग हो तगड़ी वाली, मज़ा आ जाएगा। अभी तो खैर नॉर्मल मौसम हो रखा है, और गाड़ी एवरेज दे रही है भाई अभी यहाँ पे 17.5 के आसपास का दे रही है, ठीक है एवरेज तो। चलो पंजा दाब रहा है उल्टे सीधे, वरना मैंने तो 20 की एवरेज निकाल के दी थी इसको, 17.5 ले आया ये 10 मिनट के अंदर अंदर। कह रहा मेरे से चलवाओगे तो मैं ऐसे ही करूँगा है। तो जस्ट अभी पहाड़ी स्टार्ट हुई है और जंगल भी सेक्सी लग रहे हैं, तो हमने सोचा गाड़ी लगा लेते हैं साइड में और कर लेते हैं थोड़े से मज़े। अकेले क्यों, सारे ही करेंगे मज़े। और बाल देखो, बाल मैं बड़े बड़े कर रहा हूँ काफ़ी, बता सीस क्यों कर रहा हूँ मैं बड़े बड़े बाल, क्योंकि ये बड़ा लगे। नहीं अबे बता दे, इतना क्या सस्पेंस रखना, हमने अभी तक तो जिक्र भी नहीं किया इस बारे में। भाई भाई भाई, भाई हमारा आने वाला है क्या सॉन्ग आ रहा है, सॉन्ग बढ़िया जहर सॉन्ग आएगा, जोहर जहर जो भी होता है वो सॉन्ग आएगा। थूक से मुंह साफ कर रहा है ओ भाई, ये बंदा थूक लगा के ना मुंह साफ कर रहा है, वीडियो बनेगी अभी। अरे शर्मा मत, इधर आ, बात कर ले, बात कर ले इनसे, बात करो। हाय गाइस, और बात कर, इधर क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ, आराम से तसल्ली से बात करो भाई, बता कुछ अपने बारे में, इंटरेस्टिंग सा बता, कुछ तो बता, कुछ बातें कर यार इनसे, नहीं है यही, ये बंदे जानना चाहते हैं तुझे, बातें बता इनको, बता ना विशाल।
बोल दे यार। अच्छा मजाक से हटके भाई, ये लड़का भी दिल्ली पुलिस में लगने वाला है। जी का लो गया भाई का, रिटर्न रह रहा है ना, रिटर्न रह रहा है, रिटर्न भी हो जाएगा। तो ना क्यों रहा है, दिल्ली पुलिस में जाएगा। ये ऐसा है भाई, पहली बार कैमरे के सामने आया तो थोड़ा इसको समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं मैं। अच्छा यार मजाक की बात हटके, वैसे जो जंगल है ना, इस पूरे जंगल के अंदर मतलब जानवर है काफी सारे जंगली, और जिनसे खतरा है, शेर वेर भी है, बोर्ड लगे रहते हैं रास्ते में काफी के भाई जंगली जानवर है सावधान रहे। बाकी यार जगह इतनी सेक्सी लगी ना, ये हमसे तो रुका ही नहीं गया भाई, हमने कहा बाहर उतरेंगे फोटो फोटो खींचेंगे। नैनीताल रह रहा, अब थोड़ा ही रह रहा है, 30 किलोमीटर के आसपास रह रहा है नैनीताल, है भाई। हाँ भाई 30 किलोमीटर के आसपास रह रहा है बिल्कुल। अब भाई अब सीधा नैनीताल चल के ही बात करेंगे आपसे, क्योंकि रास्ते का काफी लंबा हो चुका है मेरे ख्याल से व्लॉग। क्या इधर आ भाई, ये वीडियो जाएगी कैमरा कर, ये देख लो, ये इंस्टाग्राम पे जाएगी भाई, ये इंस्टाग्राम पे डालने के लिए वीडियो बन रही है। इधर देख, फॉलो कर लेना, यूजर नेम है एक्सप्लोरिंग इंडिया वन यूजर नेम है, फॉलो मार लेना ठीक है। तो यार फाइनली नैनीताल पहुंचने वाले, और यार मौसम देखो यहाँ का, बिल्कुल फॉग हो रही है, बहुत ज़्यादा फॉग हो रही है। आगे रोड पे दिखाऊं, ये देखो यार भाई बिल्कुल जहर मौसम हो रखा है। ये मान लो 10-15 मीटर आगे का ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी, और कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा बट बहुत ज़्यादा है फॉग। कैमरे में तो काफ़ी हद तक क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भाई जो गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है ना इस टाइम पे, ओए होए होए, वो भी शीशे खोल के, अल्टीमेट मज़ा है अल्टीमेट। इसी चीज़ के लिए तो यार हम आए थे दिल्ली से इतनी दूर, मज़ा मिल गई, सबसे अच्छी बात है मिल गई ये चीज़। ऑल राइट भाई, तो पहुंच चुके हैं फाइनली अपने होटल में, और नज़ारा दिखाते हैं पहले, तो बाहर से थोड़ा बहुत ही दिख रहा है क्योंकि अभी बारिश आ गई है तो पूरा प्रॉपर दिखेगा नहीं, बाकी नज़ारा दिखाते हैं। खोलियो भाई गेट, तो ये देखो गाइज ये है सामने का नज़ारा, नीचे देखो ये वाली जो लाइटें जल रही है ना, ये माल रोड की लाइटें, चलेंगे अभी नीचे चलेंगे। ये पूरी लेक है और अभी तो ज़्यादा ढंग से दिखाई देगी नहीं, बट नीचे चल के दिखाते हैं, नीचे मॉल रोड पे जा रहे हैं अभी, यहाँ से रास्ता है। और पता है कि मौसम कैसा है, हल्की हल्की सी शावर वाली बारिश हो रही है, प्यारा सा मौसम है बिल्कुल। हाँ जी क्या हाल चाल, आ चुके हैं नीचे मॉल रोड पे, ये देख लो एरी पे नीचे आए हैं भाई, मॉल रोड घूमने के लिए आए हैं, और खाने वाने का ऑर्डर तो हम ऊपर होटल में ही दिया है, अभी जाएंगे ना तो पूरा रेडी मिलेगा। नीचे हम इसलिए आए हैं ताकि एक तो ये लेक देख ले, एक मॉल रोड घूम ले, और तीसरा क्या है कि थोड़ा चटर पटर खा ले। चटर पटर का मतलब वही फास्ट फूड जंक फूड टाइप का, क्योंकि खाना वाना तो मिल जाएगा होटल में ही खाएंगे वहाँ ढंग से। और लेक का व्यू दिखाते हैं, अभी रात हो रही है बट जितना दिखेगा उतना दिखा देते हैं एक बार। और छतरी लेके घूम रहे हो, बारिश कभी भी, बारिश कभी भी हमला कर देगी, हाई अलर्ट हो रखा आज पूरी रात के लिए। तो ये देख लो भाई लेक है, ये काफ़ी लंबी चौड़ी लेक है यार, ये देखो वहाँ से लेके बहुत आगे तक है, बहुत सेक्सी लग रही है पहाड़ी, और ऊपर देख लो सामने वो पहाड़ है, और नीचे पूरी की पूरी लेक है। तो भाई, भाई मॉल रोड पे घूम रहे थे और अभी हो चुकी है बारिश स्टार्ट, ठीक है हल्की हल्की आ रही है, अभी दिखाई नहीं देगी इसलिए फटाफट भाग रहे होटल में। छतरी है वैसे, छतरी है लेकिन एक के नीचे तीन नहीं आएंगे, और कैमरे कुमरे भी भीगने के डर है भाई। मैं कैमरा पकड़ लूँगा कैमरा वाला छतरी में, कैमरा वाला छतरी में कैमरा भीग जाएगा, और छतरी वाला छतरी वाला छतरी वाला हमारी छतरी भी है।